Gentlemen, what are your hobbies? Hobbies play an important role in selection and rejection. बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स खेलना इनकी हॉबी है, वो प्रोफेशनल्स की हॉबी होती है। एक्टिव हॉबी, अगर आप एक्टिव हैं, एक्टिव हॉबी में इन्वॉल्व हैं, तो आप क्रिएटिव हैं ये समझ में आता है कि खाली समय में भी आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्टिव चलता है। ये हॉबी वो डेवलप कर रहा है दिखाने के लिए, वो डेवलप नहीं कर रहा, वो डेवलप कर रहा है नंबर कमाने के लिए, वो डेवलप कर रहा है इंडिया तक पहुंचने के लिए। नॉलेज होना, जो काम आप कर रहे हो नॉलेज होना वो होना चाहिए, लेकिन जो काम आप बोल रहे हो उसको आप करते हो। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर PIQ फॉर्म लेके बैठा हुआ है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागा जा रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन में उसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। जेंटलमैन, व्हाट आर योर हॉबीज? आज इसी सवाल पे हम पूरी एक वीडियो बना रहे हैं कैप्टन एस के सिंह सर के साथ, जो GTO एक्सपर्ट हैं। सर, हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलेक्शन एंड रिजेक्शन। आई विल नॉट से स्पेसिफिकली फॉर सेलेक्शन, but for selection what is required, your suitable personality, for personality it matters, hobbies matters, bilkul kya hobby hai matlab ji batao, bahut badhiya sawal, wahi jawab dene hi ja raha tha main, bolne hi ja raha tha in logon ko ki pehle ye samajhte hobby hai kya sir. Dekhiye, hobby is what we are not robot जी, हम खाली हो गए, सो गए, उठ गए, किसी ने बटन दबा दिया, हम काम करने लगे, ऐसा तो है नहीं, नहीं है। हम खाली होते हैं, सुबह पूरे दिन काम किया, शाम को खाली हो गए जा करके, फिर कुछ ना कुछ आप करते हैं। जो काम आप ऑनगोइंग प्रोसेस में करते हैं, रेगुलर प्रोसेस में करते हैं, जब भी आप खाली होंगे तब कर रहे हैं, ऐसा कोई काम है ना जो स्पोर्ट्स के अलावा हो। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स खेलना इनकी हॉबी है, वो प्रोफेशनल्स की हॉबी होती है। ठीक है, हमारे जैसे लोगों की नहीं है कि हम रात में अगर मान लीजिए 7 बजे 8 बजे 10 बजे खाली हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो वो अलग बात है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लें, गिटार बजा लें थोड़ी देर बैठ करके, क्रिकेट खेलने थोड़ी ना चले जाएंगे हम वहाँ पर। तो स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस, स्पोर्ट्स कैन नेवर बी हॉबीज, इट कैन नॉट बी अगर प्रोफेशनल नहीं है तो, है ना। एक चीज ये इनको समझना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, हॉबी क्या है, दो तरीके की होती है सर। हॉबी क्या है, जब मैं खाली हूं तब करता क्या, खाली और वो रेगुलर, ठीक है, वो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो आप रेगुलर नहीं करते हैं, दिमाग में है, मन कर रहा है करने का, मतलब व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू लव टू डू, यू आर डूइंग इट और नॉट, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर डूइंग इट, इट हार्डली मैटर्स, है ना। बट हॉबी इज व्हाट यू आर डूइंग इट फ्रीक्वेंटली ऑन गोइंग बेसिस, जब खाली हुए तब कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इनको ये देखना है कि हॉबी भी दो तरीके की है, एक एक्टिव हॉबी होती है, एक पैसिव हॉबी होती है। एक्टिव हॉबी वो जो काम आप खुद कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, पैसिव हॉबी वो जो दूसरा कर रहा है और उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो फिल्में देखना हॉबी है, गान म्यूजिक लिसनिंग म्यूजिक हॉबी है, ये पैसिव हॉबी है। क्या है कि किसी और ने गाया, किसी और ने एक्टिंग की, अक्षय कुमार की मेहनत का मजा आप ले रहे हैं, अपनी मेहनत का मजा लीजिए। तो ये पैसिव हॉबी जो है, ये SSB में बैकफायर हो जाती है? नहीं, बैकफायर नहीं होती है, अब पैसिव हॉबी है ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, आज कुछ तो करते हैं। हॉबी आपके क्रिएटिव माइंडसेट को बताती है। एक्टिव हॉबी, अगर आप एक्टिव हैं, एक्टिव हॉबी में इन्वॉल्व हैं, तो आप क्रिएटिव हैं, ये समझ में आ रहा है कि खाली समय भी आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्टिव चलता रहता है, कुछ बनाना है, पेंटिंग, खाली समय में आप पेंटिंग कर रहे हैं, वाह तो है यार, अपने काम को एंजॉय कर रहा है ना। गार्डनिंग, कुकिंग, प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये काम को आप एंजॉय कर रहे हैं जो खुद करते हैं। तो जनरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज लुकिंग फॉर एक्टिव हॉबी, एक्टिव हॉबी है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कैंडिडेट। अच्छा, अब एक मिनट के लिए मानते हैं कि अभी तक जिस एस्पिरेंट के पास इस वीडियो तक उसके पास कोई हॉबी नहीं थी, उसने ये वीडियो देखी और उसने कहा कि यार मेरे को SSB इंटरव्यू में जाना है,
और कहीं ना कहीं हॉबी पे मुद्दा उठेगा तो चलो मैं हॉबी डेवलप करता हूँ। ये हॉबी वो डेवलप कर रहा है दिखाने के लिए, वो डेवलप नहीं कर रहा, वो डेवलप कर रहा है नंबर कमाने के लिए, वो डेवलप कर रहा है इंडिया तक पहुंचने के लिए जी। तब क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर पकड़ लेगा? बिल्कुल पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा सर। वो सवाल ही ऐसे होते हैं समझ में आ जाएगा मेरे को आपकी एक सवाल इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं इसका एग्जांपल बताऊं जी। मनोज पांडे परमवीर चक्र विनर है, उनकी हॉबी थी प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजाते थे। बहुत छोटे में उन्होंने बांसुरी खरीदी थी, when he was studying in second class, उस समय उन्होंने वो अपनी माँ से जिद करके बांसुरी ली थी और गांव के मेले में। उसके बाद वो बांसुरी बजाना सीखा उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से, सेकंड क्लास का बच्चा वो भी ग्रामीण क्षेत्र का जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कोई कोचिंग क्लास तो जाएंगे नहीं सीखने, अपने आप से सीखा। सैनिक स्कूल में जब गए लखनऊ तो वो बांसुरी कैरी कर रहे थे, उसके बाद जब आगे एकेडमी में गए वो कैरी कर रहे थे, वो उनके लाइफ लॉन्ग उनके साथ रही वो बांसुरी। लाल कपड़े में बजाते थे शाम को, लाल कपड़े में लपेट के उसको बढ़िया आराम से बॉक्स में रख देते थे, ये हॉबी हो गई। अब किसी को ये पता चल गया कि प्लेइंग फ्लूट, अब क्या है कि आज हमने ये बात कर ली, बहुत लोगों को सुन लिया, कल सुबह उठेंगे कल सुबह कहेंगे बांसुरी खरीद लो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनको समझ में आया बांसुरी खरीद लो इसलिए सिलेक्शन हो गया। नहीं, ये हॉबी नहीं है, उसको तन्मयता से सीखना, पूरी शिद्दत से उसको इंजॉय करना, ये हॉबी है, दिखावटी नहीं। कि आपने जाकर के आपने कहा कि अब चलो भाई 5 सितंबर को बांसुरी खरीद लेते हैं, 10 सितंबर को SSB आ गई है और रिकमेंड हो जाएंगे, तो साहब पकड़ में आ जाएगा भाई, आ जाएगा पकड़, आराम से आता है। मतलब चैट GPT का जमाना है सर, जहाँ एक क्वेश्चन टाइप करो कि बांसुरी से कितने सुर निकल सकते हैं तो वो आ जाएगा, उसके बावजूद इंटरव्यूइंग ऑफिसर पकड़ा जाएगा। ये बनावटी जवाब साफ समझ में आता है। अच्छा, आता है बिल्कुल। तो नॉलेज होना, जो काम आप कर रहे हो नॉलेज होना वो होना चाहिए, लेकिन जो काम आप बोल रहे हो उसको आप करते भी, ये भी समझ में आना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया सर मुझे। हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जिसके पास अभी तक कोई हॉबी नहीं है, आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी? एक यंगस्टर को कोई भी ऐसा काम जिसको वो अपनी मेहनत से करे खाली समय में, आपको कुछ नहीं आता आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही बनाइए घर में, रेडियो खोल लीजिए, TV खोल लीजिए, कुछ ना कुछ खोलना नहीं है तो घर वाले डांटेंगे भी। हाँ, लेकिन जिनका शौक है कुछ बना लो, डोरबेल बना लो, ज्ञानी क्लास में SUPW एक होता है, वहाँ बनवाते हैं डोरबेल हो गया, वाटर हीटर, इमर्सन रॉड वगैरह हो गया, ये सब बनता है, आप जाओ बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाना इटसेल्फ इज अ गुड हॉबी, ठीक है। आप अच्छी किताबें पढ़ो, वो भी हॉबी, वो भी एक अच्छी हॉबी है, वो एक्टिव पैसिव दोनों है, किसी और की मेहनत का एंजॉय कर रहे हैं, मगर जो एंजॉय कर रहे हो उससे सीख बहुत कुछ रहे हो आप। तो एस्पिरेंट्स, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या हॉबीज हैं, और अगर हॉबीज डेवलप नहीं हुई हैं तो सवाल पूछिए कैप्टन SK सिंह सर से कि सर मैं ये हॉबी डेवलप करने जा रहा हूँ, ये सही है या गलत है? सर SSB इंटरव्यू में सही गलत भी है? नहीं, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। दो चीजें सर मैं अब यहाँ से और क्लियर करूँ। एक तो लोग साइकोलॉजी में जब देखते हैं TAT, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना तुम्हारी स्टोरी गलत है, ये वर्ड तुम्हारा गलत है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज राइट, इट इज ओनली एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली कोई भी व्यक्ति जो है SSB में सही या गलत नहीं ढूंढने के लिए बैठा है, SSB इज ऑल अबाउट सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट, कि इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। जो SSB में नहीं रिकमेंड हुए वो भी बाहर बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाए हैं, ठीक है। शाहरुख खान साहब सबसे अच्छा एग्जांपल इनके लिए, आइकन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं सर, दे ट्राइड देयर लक, दे हैव ट्राइड। अनिल कुंबले साहब ने तो 2 बार दिया है, वो चाहते थे पहले फौजी बन जाऊं। अच्छा, 2 बार SSB दी, 2 बार SSB दी और दोनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे बेचारे। तो भाई आप ये समझिए, इतने बड़े बड़े लोग क्या इन्होंने पाया नहीं बाहर? पाया, बट फौज के लिए
जो उनकी एज एन ऑफिसर सुटेबिलिटी थी वो नहीं दिखी। बस सवाल। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।